युवक से मारपीट के बाद उपजा तनाव, पुलिस की जीप में तोड़फोड़, 5 थानों की पुलिस तैनात, कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना। गरमाए माहौल से क्षेत्र में फैली सनसनी, सोशल मीडिया पर भी चल रहा विभिन्न प्रकार की अफवाहों का दौर। जिला एसपी डॉक्टर किरण कंद संधू व जिला पुलिस बल गंगाधार के लिए रवाना। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज सोमवार शाम को गंगाधार के एक समुदाय के लोगों ने गंगाधार थाना क्षेत्र के तलावली के एक ग्रामीण से मारपीट की थी, जिस कारण शाम 7 बजे के करीब गंगाधार थाने के करीब दूसरे समुदाय के लोग एकत्र हुए, जिन्होंने इस घटना का विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। जानकारी अनुसार गंगाधार कस्बे में मल्हारगंज तिराहे पर तोड़फोड़ की गई है, कई जगह दुकानों में आग लगा दी गई है, आरम मशीन भी जलाई गई है। गंगाधार कस्बे में अफरा तफरी मची हुई है। इस दौरान डिप्टी ब्रिजमोहन मीणा, गंगाधार थानाधिकारी संजय मीणा, उपखंड अधिकारी जनक सिंह ने समझाइश की। उसके बाद 8 बजे बाद सैकड़ों की संख्या में लोग गंगाधार पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख डग उन्हें पगारिया व गंगाधार भवानी मंडी मिश्रोली थाने की पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला, लेकिन माहौल गरमाया हुआ था और समझाइश का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस जीप के भी कांच फोड़ दिए गए। 4 से 5 लोग भी घायल हो गए, जिनको चौमहला अस्पताल ले जाया गया। कमल सिंह पत्रकार, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह व अन्य कुछ लोगों के भी घायल होने की सूचना है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है कि मौके पर फायरिंग करना बताया जा रहा है, जिसका खंडन करते हुए गंगाधार थाना अधिकारी संजय मीणा ने बताया कि फायरिंग का कोई मामला नहीं हुआ है और शांति बनाए रखे। आपको बता दें कि पत्थरबाजी भी की गई। गंगाधार कस्बे व क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। डग थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी, उन्हेल थाना अधिकारी भंवर सिंह गुर्जर, गंगाधार थाना अधिकारी संजय मीणा व पगारिया थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया मोर्चा संभाले हुए हैं।